नमस्कार दोस्तों, जुत ग्रोथ चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम सीए कटर के बारे में जानेंगे कि सीए कटर कौन है, इसने लाइब्रेरी साइंस में क्या योगदान दिया, इसकी कौन सी बुक मशहूर है और इसका जन्म कब हुआ था। इस प्रकार के क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीए कटर दोस्तों कौन था और इसका पूरा नाम क्या था, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। सीए कटर का पूरा नाम था चार्ल्स एमी कटर, ये इंग्लिश में चार्ल्स एमी कटर। और इसका जन्म कब हुआ था, 14 मार्च 1837 को। कब हुआ था, 14 मार्च 1837 को। और इनकी डेथ कब हुई थी, 6 सितंबर 1903 को। एग्जाम में क्वेश्चन, जैसे नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना संबंध वाले, जैसे सीए कटर आ गया तो उसके सामने इसकी, जैसे इसकी जन्म की ईयर आ गई या डेथ की ईयर आ जाती है, उसके बारे में संबंध बनाने होते हैं, उसके बारे में ये इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और जैसे ऐसे भी आ सकता है, सीए कटर का किस देश से संबंध था, यूएस से। जैसे वो संबंध वाले होते हैं ना, उसका संबंध स्थापित कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं नेट में। जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो अभी देख लेते हैं। अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम सीए कटर के बारे में। पहला क्वेश्चन है हमारा, पुस्तकालय सूची के उद्देश्य का वर्णन सीए कटर की कौन सी पुस्तक में किया गया है, यानी जो लाइब्रेरी कैटलॉग है उसके उद्देश्य के बारे में एक पुस्तक लिखी गई है सीए कटर के द्वारा। वो पुस्तक कौन सी है और कब लिखी गई, वो पुस्तक है दोस्तों रूल फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग। रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग 1876 में लिखी गई थी, किसके द्वारा, चार्ल्स एमी कटर के द्वारा। अब आप ये क्वेश्चन तो नहीं बोलोगे ना, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, सीए कटर का जन्म कब हुआ था, एक बार फिर बता देता हूँ। 14 मार्च 1837 को जन्म हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 6 सितंबर 1903 को, बोस्टन में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चार्ल्स एमी कटर का संबंध किस देश से है, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, अमेरिका से, यूएसए। चार्ल्स एमी कटर ने शुरुआत में असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जॉब कहाँ पर की थी, दोस्तों इसने असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जॉब डेविनिटी स्कूल है यूएसए में, वहां पर इन्होंने की थी, और वो की थी 1857 से 1869 तक, ठीक है। कब की थी, 1857 से 1869 तक, और डिविनिटी स्कूल में जो कि यूएसए में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीए कटर ने लाइब्रेरी जनरल के संपादक के रूप में कार्य कब से कब तक किया। सीए कटर ने दोस्तों ये लाइब्रेरी जनरल के संपादक के रूप में जो कार्य किया था, वो किया था 1891 से 1893, 2 साल तक किया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीए कटर के पारिवारिक जीवन के बारे में बताएं। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते इतना, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। इनकी जन्म और डेथ तो मैंने बता दी थी, अब इसका विवाह कब हुआ था, 21 मई 1863 को इनका विवाह हुआ था। किससे हुआ था, फेयर वेदर एपलटन से, फेयर वेदर एपलटन से हुआ था। अगर एग्जाम में आता है, जैसे संबंध वाले मैंने बताए थे ना, उसी प्रकार ये संबंध वाले क्वेश्चन में बन सकता है। सीए कटर और सामने आ जाएगा सारा फेयर वेदर एपलटन या एपलटन या फेयर वेदर, इनमें से कोई एक नाम आएगा, इतना बड़ा नाम नहीं आएगा, ठीक है। इनके 3 बच्चे थे और इनकी मृत्यु भी हो गई थी, ये अगर आप देखना चाहो तो देख सकते। चलो मैं पढ़ देता हूँ। 1883 में दूसरे बेटे फिलिप की मृत्यु हो गई और सबसे छोटी जेराल्ड की 1898 में। ये क्वेश्चन नहीं पूछते एग्जाम में, फिर भी मैंने पढ़ दिया। और जो भी ये सभी क्वेश्चन है, ये हमारी बुक से ही लिए गए हैं और बुक बहुत जल्द आ रही है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द बफेलो पब्लिक लाइब्रेरी 1983, ये 1983 है, फ्यूचर के लिए यूज किया गया है, फॉरवर्ड लुकिंग आर्टिकल है। ये आर्टिकल किसने लिखा था? सी.ए. कटर ने लिखा था 1883 में। कब लिखा था? 1883 में। मैंने क्या बताया, ये फ्यूचर के लिए यूज किया गया है, तो इस ये फ्यूचर के लिए यूज हुआ है, तो आप इसके में कंफ्यूजिंग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बफेलो पब्लिक लाइब्रेरी फॉरवर्ड लुकिंग आर्टिकल नामक आर्टिकल ALA की कौन सी कॉन्फ्रेंस में लिखा गया? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की छठी कॉन्फ्रेंस हुई थी, 14 से 20 अक्टूबर को हुई थी, सॉरी अगस्त को हुई थी, 14 से 20 अगस्त को 1883 में न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सी.ए. कटर द्वारा कौन कौन से कैटलॉग प्रस्तुत किए गए हैं? इसके द्वारा दोस्तों बोस्टन एंथोनियम लाइब्रेरी कैटलॉग, सर्जन जनरल ऑफिस कैटलॉग, ये कैटलॉग इसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। एक बार फिर बता देता हूँ, बोस्टन एंथोनियम लाइब्रेरी कैटलॉग, सर्जन जनरल ऑफिस कैटलॉग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लाइब्रेरी ऑफ सर्जन जनरल ऑफिस, जो ये ऑफिस है लाइब्रेरी ऑफ सर्जन जनरल, इसका बाद में क्या नाम रखा गया? पहले तो ये नाम था और बाद में इसका नाम रखा गया आर्मी मेडिकल लाइब्रेरी, जो कि अमेरिका की है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1836 में, ठीक है। अब हम रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या चीज है। ये तो मैंने बता दिया था, रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग कब आया था? 1876 में, ठीक है। तो अब RDC की फुल फॉर्म क्या है? RDC की फुल फॉर्म है रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, RDC, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1876 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके उसमें कितने नियम थे? उसमें नियम थे 200, 205। कितने नियम थे? 205। उसकी स्थापना किसने की थी? चार्ल्स सेमी कटर ने, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब तक रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के कितने एडिशन आ चुके हैं और कब कब आए? इसके दोस्तों अब तक 4 एडिशन आ चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहला एडिशन आया था 1876 में, पहला एडिशन कब आया था? 1876 में। दूसरा कब आया था? 1889 में, 13 साल बाद। कितने साल बाद में? 13 साल बाद में। और फिर 1891 में आया था, 2 साल बाद। और फिर आया था 1904 में, कब आया था? 1904 में ये आया था, 13 साल बाद में फिर, ठीक है। 76, 89, 94, कब आया था? 76, 89, 94। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग का 4th एडिशन कब आया, प्रकाशित हुआ था? 1904 में, ये तो हो ही गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग का 4th एडिशन कहाँ प्रकाशित हुआ था? ये दोस्तों वाशिंगटन में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? यानी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, रूल फॉर डिक्शनरी का नवीनतम सॉरी संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1904 में, और कहां पर हुआ था? वाशिंगटन में, ठीक है। जो नवीनतम संस्करण था उसमें कुल कितने नियम हैं? दोस्तों 379 नियम, यानी 369 नियम है नवीनतम संस्करण। नवीनतम संस्करण कौन सा है? चौथा संस्करण, 1904 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अब आप शायद ये नहीं बोलोगे, फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग किसे कहा जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग, ये किसको कहा जाता है? सी.ए. कटर को। इनकी हमने जन्म और मृत्यु देख लिया है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार फिर देख लीजिए। 14 मार्च 1837 को जन्म हुआ था, 6 मार्च सॉरी 6 सितंबर को इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि 1903 में, ठीक है। कोड का मूल्यांकन, द फर्स्ट कोड ऑफ कंप्लीट कैटलॉगिंग प्रैक्टिस फॉर एवरी काइंड ऑफ एंट्री इन ए डिक्शनरी कैटलॉग के रूप में किसने किया है? हेनरी ए शार्प, यानी इसका मूल्यांकन किया है, इस किसके द्वारा किया गया? हेनरी ए शार्प के द्वारा। जो ये कोड है ना रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, इसका मूल्यांकन इस रूप में किया गया है, किसके द्वारा? हेनरी ए शार्प के द्वारा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कटर के नियम टिप्पणी किसने की थी?
थोड़ी सी दोस्तों मिस्टेक हो गई है टाइप करने में, यानी जो ये रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग है इसके नियम पर किसी ने टिप्पणी की थी कि ये किया था, सूचीकरण के मूलभूत सिद्धांतों का एक अच्छा प्रदर्शन है और सभी कैटलॉग्स का इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। ये बात किसने की थी? ये की थी डोरोथी एम नॉरिस ने, हिंदी में भी लिखा हुआ है डोरोथी एम नॉरिस ने। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ, इसने रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग पर एक टिप्पणी की थी डोरोथी एम नॉरिस ने, सूचीकरण के मूलभूत सिद्धांतों का एक अच्छा प्रदर्शन है और सभी कैटलॉग्स का अध्ययन किया जाना चाहिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए, और इस प्रकार की वीडियो चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।